पंडित सोमनाथ जी रोडे ते गुरचरण सिंह जी शाजली पेश करदे हन साजन स्टूडियो दी भेट मवाड़ी शेर मवाड़ी शेर मवाड़ी शेर बार बार कर बीर करे सिर पर गुर दरबार तीर तार डर डर कर हर हर कर करतार अकाल पुरख अगे तारियारा दस दो हथ जोड़े जो हुक्म वाहेगुरु दा उस नूं दुष्ट दा मनना मोड़े ओ चंड कपर चंड तू तरती नाल खून दे रंगा बर दे शिवा मोहे दुखिए देश वास ते मंगा विजय उबले देगां दे विच उबले देगां दे जौंदा ते चरखड़ियां गिणियां लूं बदले गिण गिण के बाजा ना लड़ा दो चिड़िया जो बचन हेम कुंड दा सतगुर ओनू तिने अलंगा बर दे शिवा मोहे दुखिए देस वास ते मंगा सिर जिस दे के सबोगा तौड़ा जड़तड़ा चो पट्टिया जो राम कृष्ण कहंदे जीबा तुरत जांदियां कट्टिया पै अगू गाफल ने पै अगू गाफल ने चढ़िया भूत शराबियां पंगा पर देश दा मोहे दुखिए देस वास्ते मंगा और रंग देवने का खूना निचोड़ परा दा पीता फर पिता आप दे बंदी खाने विच बंद कीता सिर उस गवरी दा कटके निज उत्ते टंगा बर देश दा मोहे दुखिए देस वास्ते मंगा इक तेरा साथ होवे वह गुरु मन पछाड़ी हटा पापा दे पर्वत नूंगड़ी ना जड़ा चो पट्टा और बीवी लोड़ नहीं सागर छाल मार के लंगा बर देश बा मोहे दुखिए देश वास्ते मंगा बिच बड़े देगा दे जौंदा ते चरखड़ियां गिणियां लूं बदले गिण गिण के बाजा नाल लड़ा दूं चिड़िया ओ वतन हेम कुंड दा सतगर ओनू तिने अलंगा बर देश बा मोहे दुखिए देश वास्ते मंगा ए किन्निया सदियां दी मोई कौम जिउंदी कर दे प्या अमृत वाटे दा गैरत बेअरखां विच भर दे मैं बुरा हमुरिया नू बंदे भलिया वास्ते चंगा पर देश बा मोहे दुखिए देस वास्ते मंगा हिंदू मोमन प्यारे ने मेरी नार जुल्म दे टक्कर चारे जग जोंदे ने दानी भगत सूर में फक्कर ममता मोह माया तो बचाओ मैं इन्ना तो संगा पर देश बा मोहे दुखिए देश वास्ते मंगा प्रेम वाले बैठो सुनो नवा इतिहास तुहाडे सामने पेश कर लग्या सो बेनती सारे वीरां नूं इही आ प्रेम नाल सुनो कोई इहो जिही गल नहीं हुंदी जिहड़ी ना समझ आवे पर नवा इतिहास नवीं पार्टी दा फर्ज बणदा कि उह नवे इतिहास लै के सामने आउण नवे इतिहास हर एक इंसान दा फर्ज बणदा पेश करना हर एक गवैये दा फर्ज है अकबर तों बाद सलीम हुमायूं जहांगीर शाहजहां दिल्ली का बादशाह बनिया इधर मेवाड़ शहर बड़ा मशहूर है राजस्थान दे विच राजस्थान दे दो होर शहर ने एक बांदी कुई है एक बूंदी है राणी किरणमयी ने बूंदीगढ़ में बड़ा मशहूर किया नाम दिता धर्म का नाम दिता बूंदीगढ़ धर्म धरती भी कहा गया इधर धर्मी बादशाह अकबर सी
ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸਿਪੇ ਸਲਾਰ ਮੇਵਾੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੇਵਾੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਲਾਕਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁਣੋ ਹਵਾਲਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ, ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਦਾਰ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਵਾੜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਜਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਲ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਸਰਵਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੋ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਵਾੜੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਲੋ ਸੁਣੋ ਕਵਿਤਾ ਮੇਵਾੜੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਆਓ ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਟਕਾਲੀ ਐ, ਵਿਦਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਦਾਨ ਦੁਆਰੇ ਬੜਾ ਸਵਾਲੀ ਐ, ਤੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਕਵਾੜ ਦਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨਮਾਸੀ ਸ਼ੇਰ ਮੇਵਾੜ ਦਾ, ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰੇ ਹੈ ਜਗ ਜਾਣਦਾ, ਭੋਲੂ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਣਦਾ, ਜਾਸੀ ਪਰ ਤਾਪਸ ਪੁੱਤਰ ਬਾਪ ਮਰਾੜ ਦਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨਮਾਸੀ ਖਾਸ ਮੇਵਾੜ ਦਾ, ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਜੋਗਾ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦਾ, ਮੁਕਦਾ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨਮਾਸੀ ਖਾਸ ਮੇਵਾੜ ਦਾ, ਸੂਰ ਵੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬੂੰਦੀਗੜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਐ, ਨਾਲ ਸਬਬ ਦੇ ਹਰ ਸਹਨ ਸਣੀ ਮਿਲ ਗਏ ਦੋਈ ਐ, ਰੱਬ ਮਿਲਾਵੇ ਜੋੜੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਬਗਾੜਦਾ, ਆਪੇ ਬਣੇ ਬਗਾੜਦਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨਮਾਸੀ ਖਾਸ ਮੇਵਾੜ ਦਾ, ਨੌਰਾਣੀ ਦਾ ਹਾਡੀ ਸਤਵਾਲੀ ਐ, ਗੈਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਬਖਾਲੀ ਐ, ਤੇ ਫਰੂਟ ਕੌਣ ਵੇ ਮਾਲੀ ਝਾੜਦਾ, ਕੌਣ ਵੇ ਮਾਲੀ ਝਾੜਦਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨਮਾਸੀ ਖਾਸ ਮੇਵਾੜ ਦਾ, ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਮਾਨ ਮੁਗਲ ਕੁਝ ਜਾਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਏ ਕੌਮ ਬਹਾਦਰ ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੰਨੇ ਸੇ ਪਰਕੇ ਹਾੜਦਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨਮਾਸੀ ਖਾਸ ਮੇਵਾੜ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਛੱਤਰੀ ਸੂਰਾ ਤੰਨੇ ਕਰ ਕਹਾਵਣ ਨਾ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਰਣ ਮੇ ਪਿੱਠ ਵਖਾਵਣ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਬੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਖੌਫ ਵਿਗਾੜਦਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨਵਾਸੀ ਖਾਸ ਮੇਵਾੜ ਦਾ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਮੇਵਾੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਛੱਤਰੀ ਸਿੰਘ, ਤਿੰਨੇ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਕੈਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ, ਰਾਜਪੂਤ ਸਿੰਘ ਛੱਤਰੀ, ਤਿੰਨ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਕੈਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅਣਖੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮੇਵਾੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਭੱਲੂ, ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਹਿਨ ਚੱਕਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਬਹਾਦਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਸਕਾ ਸਾਲਾ ਸਲਾਵਤ ਖਾਨ। ਸਲਾਵਤ ਖਾਨ ਜਸਵੰਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਐ ਵੀਰ ਜਸਵੰਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਸਲਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਮਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਨ ਜੋਧਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇ ਰਾਜਪੂਤ, ਹੋਵੇ ਰਾਠੌਰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਜਸਵੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ,
कहना बादशाह फिर गल एक है, असी चार भरा जेड़ा साडे सारे तो छोटा भरा अमर सिंह है, मेरे नो छाती चौड़ी, मेरे नो कद उच्चा, मेरे नो बुद्ध उच्ची, मेरे नो जंगी हथियारां दा कारीगर जावे, नेजा तलवार ढाल दा माहर, घोड़सवारी दा माहर, मेरा छोटा भरा अमर सिंह है। कहिंदा फिर तां जसवंत सिंह काम बन गया, अमर सिंह दे मैनू दर्शन करा दे, जे अमर सिंह मैनू चंगा लग्या, चहल चक्कर सोहना होया, नौजवान चंगा होया, बहादुर सूरवीर वाले चक्कर होए, तां मैं उहनू अपनी फौज दे विच भर्ती कर लूंगा। वो कहिंदा अच्छा बादशाह, जसवंत लै के 2 महीनों की छुट्टी अपने शहर मवाड़ आ गया, अपने छोटे भरा नूं मिलिया, सारे परिवार नूं मिलिया। जब छुट्टी खत्म करके तुरन लगे, अमर सिंह नूं कहण लगा जसवंत सिंह, वीर अमर सिंह, कहिंदा हां भरा, कहिंदा शाहजहां बादशाह नूं इक तेरे वर्गे बहादुर की जरूरत है। उन्हें मैनू बहुत बारी आख्या कि मैनू बहादुर चाहिदा, मैनू सूरवीर चाहिदा, ते मैं उन्हें आख्या सी वी मेरा भरा तेरे बाप नाल उहदे नाल गल कीती सी, जे तू मेरे नाल चले आपा दिल्ली चलीए, जे तैनू नौकरी मिल जे आपा दो भरा शाहजहां दीआं फौजां दे नौकर हो जांगे, फौजां च नौकरी लै लांगे, मैं भी फौज दे विच नौकरी करदा, जे तैनू नौकरी मिल जे तां बहुत चंगी गल है। अमर सिंह कहण लग्गा भरा गल इक है, नौकरी तां मैं लै लूं। अमर सिंह कहिंदा भरा मेरीआं 2 शर्तां ने, जे तो शाहजहां नूं मंजूर हो गई तां मैं नौकरी कर लूं, नहीं मैं नौकरी नहीं कर सकता। जसवंत सिंह नाल लै के अमर सिंह नूं शाहजहां दे सामने दरबार दे विच जदों पहुंचे, शाहजहां होके तख्त तों खड़ा, देख के अमर सिंह दा चेहरा, देख के नौजवान छाती चौड़ी, देख के अपने सारे सलावत खान नूं बुला के सिफतां जोड़ी लिया है, इउं कर रहा है। राजपूत बच्चे हो गए रवान जो नाल बड़े प्यार दे, जय हो जा सवंत आखे शाहजहान जो विच दरबार दे, मुख बचन सुनावे बादशाह संग आंदा वीर ने, दिल विच खुशियां मनावे बादशाह देख के शरीर ने, हर छोट पाई बंग प्यार करे शाहजहां पास ही बहालिया, नाम की आया अपना चार शाहजहां छत्ती से लगा लिया, रूप जान बादशाह बादशाह शब्द के वजीर लो, दिल विच खुशियां मनावे बादशाह देख के शरीर नो, ओदे मत्थे विच तेज वेग अख कौड़ी है सुंदर अज सुमजो, बाल मोटा मुछ दत छाती चौड़ी है शेर दी के सुमजो, कदम बान विच जावे बादशाह पादुगा वहीर नो, पादुगा वहीर नो, दिल विच खुशियां मनावे बादशाह देख के शरीर नो, फिर यो जा बहादुर जे हो लड़का विच सागर मिले, ओ फिर नाम काबले दे विच खाड़दा सारे पच जावने, हो कौन अटकावे बादशाह ऐसे रण तीर नो, दिल विच खुशियां मनावे बादशाह देख के शरीर नो, हर चंगी हथियार नाल कारीगर ती चलाउंदा नाल मौज दे, कीता राजपूत नू तुरत भारती भेजा विच फौज दे, सिखलाई फारमां दे बादशाह चलाउणा सिख तीर नो, चलाउणा सिख तीर नो, दिल विच खुशियां मनावे बादशाह देख के शरीर नो, फिर तोड़े दे समें च जरनैल हो गया सूरा फौज सारी दा, सूरा फौज सारी दा, दिता सी खिताब खान मैल हो गया जिस पे सलारी दा, दिल विच कह लिया ते आवे बादशाह हजरत पीर लो, हजरत पीर लो, दिल विच खुशियां मनावे बादशाह देख के शरीर लो। बादशाह शाहजहां दी आत्मा नूं आनंद आया, अमर सिंह नूं गल वकड़ी पाली, जफी पाई बादशाह ने, जफी पा के पुछ दे छोटे भरा तेरे नाम की है, कहिंदा मेरा नाम अमर सिंह राठौर है,
बैठे मौके के मुताबिक दोहा भी इज्जत की दरबार का कम समाप्त किया। जसवंत सिंह कहना हा कहना मैं अमर सिंह नाल दो गल्ला कर ला। अमर सिंह नूं बुला के शाहजहां कहना कहना अमर सिंह कहना हा महाराज कहना यो दस तू ढाल ले जे तलवारा चलाउण जाण दा जंग करन वास्ते तैयार है। कहना हा महाराज जो मर्जी हथियार चला के देखो। कहना मैं तेरा प्रैक्टिकल करके देखना है देखा अखा के सामने तू भी युद्ध कर सकता या नहीं सुनना सुनना नहीं प्रैक्टिकल करना मैं तेरा चलवा के देखने लेजे तलवारा ते तू। वो कहना बादशाह जिम्मे थोड़ी आ गया हो गया सामने बहादुर लिया जिम्मे अपने निहंग सिंह गात्रा खेल गतका खेल दिया हथियार फड़ाए मौके के मुताबिक जंग के करतब देखे घोर सवारी घोड़ा दिता गया अड़ब तो अड़ब घोड़ा अमर सिंह फड़ाया। अमर सिंह बलाकी मारिया के उत्ते बैठा करे गेड़ा दे के सीधा करके लिया के सामने खड़ा रहा करे। शाहजहां खुश हो गया अमर सिंह कहना हा बादशाह कहना मैं तेनू अपनी फौज दे विच नौकरी देना चाहना तेनू अपनी फौज का सिपाही बनाना चाहना। गलवकड़ी पा ली जो जफ्फी पाई अमर सिंह शाहजहां ने खुश होकर वीर मैं तेनू अपनी फौज दे विच नौकरी देना चाहना। अमर सिंह ने जफ्फी छड़ा ली दस कदम के पिछे होकर खड़ गया कहना बादशाह गल सुन कहना असि रठौर होने कहने तो मैं पता है भाई तुम रठौर कहना जी मेरे गल करनी है तू पहला आप वीर भैन भरा वाली गल कर लिया हूं तू बादशाह मैं एक नौकर जी गल करनी है नौकरी करने तो पहला पहला मेरे गल खोल ल कहना मैं यार रजपूत कहना पता कहना मेरिया दो तीन शर्त ने जे तो तेन शर्त मंजूर ने तो मैं नौकरी कर सकता नहीं मैं नौकरी की जरूरत नहीं है। वह कहना दस कि शर्त ने बादशाह एक तो जिथे आम जनता बैठती है इतने मैं नहीं बैठना कहना होर कितने बैठेंगे मैं तेरे बराबर तख्त उपर बैठूंगा। वो कहना यह मंजूर है मैं दूसरी शर्त मेरी यह है आ सारे लोग तेन सिर झुका के सलाम बुलाते हैं मैं तेन सिर झुका के सलाम नहीं करनी तेरे तख्त में असी रजपूत हों जे साडा सिर झुकदा सिर्फ अपने बजुर्गों सामने झुकदा होर साडा सिर नहीं झुकदा। वो कहना ठीक है मैंने यही तेरी शर्त मंजूर। तीसरी शर्त मेरी यह है बादशाह मैं अपनी मर्जी नाल जा भी सकदा। वो कहने यह भी मैं मंजूर है बाकी तेरिया सारी शर्त मंजूर ने। अमर सिंह फौज भर्ती कर लिया जो भर्ती करया काबुल दी हदा ते युद्ध छिड़िया बादशाह ने अमर सिंह फौज के नाल तोरिया काबुल दी हदा ते अमर सिंह ने लड़ाई लड़ी यूपी की लड़ाई लड़ी कबैलियां नाल लड़ाई लड़ी पांच चार लड़ाइया बिहारियों नाल बंगालियों नाल लड़ाइया अमर सिंह ने लड़िया बहादुरी ते खुश होके जो अमर सिंह की चाश पे जित होंदी देखी जिन्हें महाराजा रणजीत सिंह या फौजा का जनरल हरी सिंह नलुआ जिधर भी जाता सी धाक पै गई सी अमर सिंह रठौर जी की धाक पै चुकी सी। इहदियां धाकां वेख के भी जनता बल्ले बल्ले करदी अमर सिंह रठौर दी आ जो अमर सिंह रठौर वापस दिल्ली आया युद्ध लड़न तो बाद बादशाह ने लाया दरबार दरबार के विच अमर सिंह नूं सदके तख्त ते बिठा के सोने का कड़ा लैके 25,000 रुपया लैके एक बादशाह शाहजहां अपना छोटा भरा बना के किले दियां चाबियां फौजां दा जनरल खजाने दियां चाबियां अमर सिंह नूं बख्शदा अमर सिंह नूं अमर सिंह दा करदा मान अमर सिंह नाल करदा प्रेम अमर सिंह दी इज्जत वधाउंदा बादशाह दिल्ली वाला शाहजहां अपने तख्त से बैठ के अमर सिंह बराबर बहा के हे क्यों कह रहे जी सतसंग चलती नारन चिड़का न दे रब दे प्यार चिड़का न दे गुरु दे प्यार बादशाह रतार नाम दे मना हथ बिच पाया सोना कड़ा है मना हथ बिच पाया सोना कड़ा है मना बराबर दहाई तू बने कादरा बहादुरी
दिपाई उपने कादर बहादुरी दिपाई उपने तेनू देख दिल ठंडा कर हो गया अज तो तू मेरा दिल यार हो गया अज तो तू मेरा दिल यार हो गया सिर खाके थप्पी चट आई उपने कादर बहादुरी दिपाई उपने कादर बहादुरी दिपाई उपने पहनने में सुंदर लबास होगा आगरे में आपका निवास होगा आगरे में आपका निवास होगा चुक पिले दी फलाई उपने कादर बहादुरी दिपाई उपने कादर बहादुरी दिपाई उपने फिर भारती ने लोड़ हो बताने आपनू कोई ना खजाने सके मोड़े आपनू कोई ना खजाने सके मोड़े आपनू खुशी होते इतनी सनाई उपने कादर बहादुरी दिपाई उपने कादर बहादुरी दिपाई उपने हर पंडा सूरबीर तेरा मुल्ल बेच के हरार कर कुल देख के पंडा सूरबीर तेरा मुल्ल बेच के हो गए हरान कर कुल देख के हो गए हरान कर कुल देख के हद कर के दिखाई उपने दिखाई उपने कादर बहादुरी दिपाई उपने कादर बहादुरी दिपाई उपने दूजे तीजे दिन दिल्ली आ गया करी मेरी सुने अपनी सुना दिया करी मेरी सुने अपनी सुना दिया करी खुशान चगनी बधाई उपने कादर बहादुरी दिपाई उपने कादर बहादुरी दिपाई उपने आगरे नु हो जा तूर बन सूर फौजदा तरखना त्यान सूरमिया फौजदा तरखना त्यान सूरमिया बड़ी खुशी बकरा मनाई उपने कादर बहादुरी दिपाई उपने कादर बहादुरी दिपाई उपने अमर सिंह दी बहादुरी ते खुश होके बादशाह शाहजहां ने आगरे दे किले दियां चाबियां बख्शतियां खजाने वाले खजानचियां नूं कहता भी आमद से जदों भी खजाने चावे जितना मर्जी लोड होवे तालो उतना वरती अमर से नूं छुट्टी देती फौज ते जिन्ना मर्जी पैसा खर्च करी जिन्ना मर्जी असले ते पैसा खर्च करी तेनू कोई मोड़ नहीं सकता कोई टोक नहीं सकता आ चेतक तेरा घोड़ा हो गया सब तो अब्बल नसल सी चेतक जा चलिया जा आगरे जो बराबर बिठा के इतना मान किया 25,000 रुपया दिता हूं सलावत खान शाहजहां दा सका साला ए गल बर्दाश्त ना कर सकिया भी साडे हुंदे एक हिंदू की इतनी इज्जत दरबार च की जाए मुसलमानों छड़ के मुसलमानों बादशाह शाहजहां ने हिंदू सरदार बनाता अपना दिलदार बना लिया सानू नीमा झाकना पै गया हिंदू की अख साडे ते गहरी होगी हिंदू साडे मूहरे नीमा झाकदा तां साडे मन विच शांति रहिंदी अज हिंदू की शान साडे दरबार दे विच बढ़ा के शाहजहां ने गल चंगी नहीं की सलावत खान बादशाह को चलिया गया बादशाह हां सलावत खान जीजा जी तेरा बहुत धन्यवाद करता पर अज पता लग गया अमर सिंह युद्ध लड़के आया सी ओदे नाल मोमन भी गए सी मुसलमान भी गए सी तां किसे मुसलमान की इज्जत की ना अमर सिंह की बहुत इज्जत की थी वह कहना भाई अमर सिंह लड़िया ओदे युद्ध लड़िया ओदे नौ दी बल्ले बल्ले हुंदी है ढाक पई है अमर सिंह दी मैं बराबर बिठा के नाम क्यों ना देवा हुण इक सलावत खान कहिंदा ओ बादशाह तैं जिहड़ा इह स्यापा शेर ने बहुत कसूता कर लिया बांदर नूं बना दियां टोपियां दा नहीं पता तैं रजपूत नूं सरदार बनाता दरबार च आउंदा धौल नहीं चुकाउंदा तेरे मूहे नजर नीवी नहीं करता बादशाह मैं ये गल बर्दाश्त नहीं करता मुसलमानों की बहुत बेइज्जती होगी इस्लाम धर्म की बड़ी बेइज्जती है एक आके सलावत खान बादशाह नूं दो शब्द अमर सिंह के खिलाफ हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों के हक च हो गल कर दे
मना मूर्खा करे तू गमान का दा ओ छट जाएगा मैं भला लगिया हूं तू कार तो बिना नहीं पैर करदा दस कौन जोड़ू जो कोड़े बगिया नंगा मचना तेरा शरीर सारा दस कौन पादू नहरी झगिया किसे रोज नू बेखली गुणी लोका एक दिन गंगा बचाने गए हड्डिया हो आके ते खान सलावत रात भी करे बगावत चुगली दी पक्की आवत बहे हो प्यार नू बगारे बही जिथे आके चुगल बने घर नू छे ना बिना पावे जिथे आके पूतने पूरे मेरे सूतने चाड़े पैसरे पूतने अकल अली जा तेरी मारी बेका जी कहना बुरी बात है करे मोमना ते हिंदू सरदारी बेका जी कहना फूल फरावे करदा या दूल सड़ावे मसले ना फूल शरावे आउदिया शर्म में इस बात दी पाला की सार जाने बादशाह टोपी बंदरां दे दिए बरात दी पाला की सार मुसलमानी हिंदू नू तौण चकानी मैनू ने बतारानी गल ती करे तू पुज पारी बेका जी कहना बुरी बात है करे हे मना ते हिंदू सरदारी बेका जी कहना अंदर सब बार ले आता है काफर सिर चाड़ ले आता है काफर सिर चाड़ ले आता है जादे बगार ले आता है जब भी आग लावे ए शेर बनू खड़े डट के बिल कुल भी लताल चुकावे ए शेर बांगू तैनू सलाम करे ना तैतों भी जमा डरे ना मूड़े कोई नजर परे ना हुंदिया तही न तमारी बेका जी कहना बुरी बात है करे हिंदुआ ते मोमन सरदारी बेका जी कहना हिंदू सरदार बनाया अपना दिलदार बनाया मोमन गदार बनाया असादा मान तंग की जा माला में हथ नारे दे तेरे बास ते चंगी ना गल जी जा माला में हथ कहो बहे बादशाह कुछ भी ना कहे बादशाह फकरा गल सहे बादशाह सोचदा सिया मर खारी बेका जी कहना बुरी बात है करे वो मना ते हिंदू सरदारी बेका जी कहना कह लग्या बादशाह कहना हां कहना ता हिंदुआ ना सिर उच्चा करता मोमना का सिर नीवा करता बांदरा नु बना दिया टोपिया का की पता घुमार नु लाल का की पता है जोरी बच्चा लाल भी फर्क कर सकता है उस लावत खान नु कहंदा फिर आता तू गल आप ही कही जाना भी घुमार नु लाल का पता नहीं जोरी बच्चा लाल भी फर्क कर सकता है सलावत खान मैं लाल दी परख कीती है ना बादशाह ते लाल दी परख नहीं कीती ओ मैं तेरा रिश्तेदार तेरा साला तेरा वजीर मैं जंग भी लड़न जाना तू मैनू बुलांदा फौजां दा जनरल आ 25,000 रुपया मैनू दिंदा मेरे हाथ ता देखदा जदों सलावत खान ने उरलियां परलियां गल्लां करियां बादशाह ते कोई असर ना होया इधर अमर सिंह कहता बादशाह जा अमर सिंह आ लै जा कुंजिया लै जा शाही पोशाक आगरे में किले तेरा निवास हो दूए तीए दिन दिल्ली आ जा करी मेरी सुन अपनी सुना जा करी फौज नू संभाल ड्यूटी लाई पूपने जा अमर सिंह तू उथे चलिया जा अमर सिंह आ गया आगरे दे किले च फौजिया नू युद्ध दे तरीके दसन लग्या खुराका सप्लाई करन लग्या ते फौजियां नू चंगे चंगे तरीके रहन दे तरीके बोलन दे तरीके युद्ध दे तरीके असला चलाउन दे तरीके घोड़े बूंदीगढ़ विच अमर सिंह बैठा सी रहना उत्थे है आगरे
बूंदीगढ़ एदा सका साले दा नौ सी अर्जन सिंह। अर्जन सिंह ने सारा परिवार इकट्ठा किया, सियाने बापिया नूं आख्या, मां नूं आख्या, प्यो नूं आख्या, पिता जी धीआं जदों नौजवान हो जा अपने सहुरिआं घर च चंगीआं लगदीआं ने। ओह कहिंदा ठीक है। दिन कढ़ा के सारा परिवार बैठ के अमर सिंह दी शादी बाबत मुकलावे दा दिन कढ के चिट्ठी लेके सारा परिवार महवाब नूं लागी नूं दे के चिट्ठी हे त्यों तोड़दे ने। हुण तोरो बीबी नूं मापे बह के करन बचारा, कर सजन सोरिया दे तिया होण जदों मटियारा। हुण तोरो बीबी नूं मापे बह के करन बचारा, कर सजने सोरिया दे तिया होण जदों मटियारा। अर्जन हाटी दा अर्जन गौर सवन्नों बोले, चिट्ठी मकलावे दी भेजो अमर सिंह दे कोले। वड्डिया वीरा दा लाहे बिना फर्ज नी लैना, दिल फेर खुशी हुंदे जाकर बसने छोटिया पैना। साखी हुंदे ने विच्चों फार दोहरन चले, चिट्ठी मकला मेरी तेजो अमर सिंह दे कोले। जिन पुत बार करता दिन पुत बार करता सारी गल ठीक समझाऊंगा, तू ले जा शगना दी चिट्ठी लगी हत्थ फड़ाउंदे। आ ले जा शगना दी चिट्ठी लगी हत्थ फड़ाउंदे। फड़के ते चिट्ठी नूं राजा मुड़िया बांग बरोले, चिट्ठी मकलावे दी तेजो अमर सिंह दे कोले। ले रुकता शगना दा लगी कोड़े उपर चढ़दा, मंजल तय करके दे अनमवार खुशी से बढ़दा। जगत सिंह कोले राजा तुम्हें ठीक तखोले, चिट्ठी मकलावे दी तेजो अमर सिंह दे कोले। कर आए लगी दी सेवा जगत सिंह सब करदा, फड़के ते चिट्ठी नूं जी खुश हो गया है कर करदा। जगत सिंह कोले राजा तुम्हें ठीक तखोले, चिट्ठी मकलावे दी तेजो अमर सिंह दे कोले। ना रुका शगना दा शगना दा लग्या पौण वापसी चला, दे दिता जगत सिंह ने बच्ची मोरा इक दसाला। प्रियो बांग बरले चिट्ठी मकलावे दी तेजो अमर सिंह दे कोले। दरिया लगी दी सेवा जगत सिंह है करदा, दरिया लगी दी सेवा जगत सिंह है करदा। पड़के ते चिट्ठी नूं जी खुश हो जा है कर करदा। जगत सिंह नूं जी लगे दे बधाई गोले, चिट्ठी मकलावे दी तेजो अमर सिंह दे कोले। सत्यप दे नौकर नूं ए गल जगत सिंह है कहिंदा, जाय उसनूं खबर करो मेरा शेर आगरे रहिंदा। लवे बादशाह तो सुट्टी बात रहे ना गोले, चिट्ठी मकलावे दी तेजो अमर सिंह दे कोले। हुण राजपूत तो सारी बेया, हुण राजपूत तो सारी गईया पोच कहानी, जा कहा बादशाह नूं दे दे छुट्टी लावा राणी। आउंदा है दिल्ली नूं फकरा राजपूत ना डोले, चिट्ठी मकलावे दी तेजो अमर सिंह दे कोले। चिट्ठी मकलावे दी तेजो अमर सिंह दे कोले। सारे परिवार ने सरीके ने राय करके पिंड वाले पतवंते सजना ने पंडित विद्वान तो शुभ मौका शुभ लगन ज
दिल कढ़ा के चिट्ठी ते लिख के हल्दी केसर दा निशान ला के चिट्ठी भेजती नाई नूं देके। हुण राजा चिट्ठी लेके चल पिया, जा पहुंचिया मवाड़ शहर, जाके फतेह बुलाती। जगत सिंह ने फड़ के चिट्ठी अपना सरीका बुला के ते सरीके दे विच अपने कुड़म दे नागी दा सत्कार कीता। 25 मोहरा 1 दसाला राजे नूं दित्ता। हुण अमर सिंह रहिंदा आगरे, अमर सिंह दा प्यो जगत सिंह कहण लग्या उहदे नौकर नूं बुला के, कहिंदा जा भई आ चिट्ठी लै जा हेठा दस्तखत करते। हुण नौकर लैके चिट्ठी चल पिया। जदों आगरे गया सिपाहियां नूं पुछिया, सिपाहियां ने अंदर भेजता, उहने जाके चिट्ठी अमर सिंह नूं फड़ाती। अमर सिंह ने चिट्ठी पढ़ी, हेठा देखे पिता दे दस्तखत, पिता नूं करके नमस्कार, चिट्ठी नूं नमस्कार कीती। चिट्ठी नूं नमस्कार कीती अमर सिंह ने, अपने प्यो दे दस्तखतां नूं नमस्कार कीती, इतनी इज्जत कीती। कीती क्यों? सिख्या चंगी मां दी है, चंगी रजपूतनी मां दी सिख्या। जदों रजपूतां दे बच्चा जन्म लैंदा जे गुरती दिंदे ने ता कतार दी नोक नाल दिंदे ने गुरती बच्चे नूं, ऐ नहीं वी रूं दे फंबे नाल देणा, कतार दी नोक नाल बच्चे नूं गुरती दिंदे आ। कतार दी नोक नाल गुरती दे के फिर उहदे पता कन्न च की कहिंदे आ, बच्चा तू सूरवीर बने, तू बहादुर बने, तू भगत बने, इहो जिहा लोरियां दिंदे ने। ते अज साडियां माइयां भी लोरियां दिंदियां ने, क्यों मां बच्चे दा पहला गुरु है। साडे दीआं माइयां भी लोरियां दिंदियां ने, डूढ़क महीने दा जवाक हुंदा है, फिर आए धर लेंगे मोढ़े ते, जिवें मोटर तों नहा के आपां परना धर लैंदे निचोड़ के हरेक दे वार च पसाए करने फिरी जांदे। तेरा ताया आ गया सत श्री अकाल बुला, सियाणी मां कहिंदे तेरा प्यो आ गया भाई पैरी हथ ला दे। ते अज जिहड़ियां चंगीआं माइयां ने तां चंगी सिख्या दिंदियां ने, जिहड़ियां फिर दूईआं ने बेचारियां सिद्धियां साधियां, जां दूए लोट ला लो फिर पता बच्चे दे हथ फड़ा दिंदियां जुत्ती, आ गया तेरा ताया मार सिर च, आ फड़ो तेरे बाबे दी दाड़ी। फिर इन्हां दीआं लोरियां इहो जिहियां जिहड़ियां फिर इहो जिहियां लोरियां दिंदियां, फिर बड़े होए फिर तुहानूं पता जावे फलाने तों बुरा मारता मुंडे नूं, ओह आए हुंदियां कम। मां बच्चे दा पहला गुरु है, जिहो जिहा मर्जी रंग चाढ़ दे। हुण मां प्यो दा चढ़िया होया रंग, अमर सिंह ने दस्तखत देखे, पिता दे चिट्ठी नूं सलाम कीती, चिट्ठी नूं नमस्कार कीती, चिट्ठी जेल च पा ली, घोड़े ते सवार होया दिल्ली पहुंचिया। दरबार च शाहजहां बैठा, जा बैठा बराबर, अमर सिंह नूं कहिंदा बादशाह शाहजहां आ अमर साहब किवें आउणे होए। शाहजहां दे कोल अमर सिंह अपने प्यो दी लिखी चिट्ठी ते लिखे अखर वाले बादशाह नूं कहिंदा, बादशाह मैनूं छुट्टी दे दे, मैं अपने घरवाली दा मकलावा लेके आउणा, मकलावे दीआं गल्लां छुट्टी दीआं गल्लां अमर सिंह शाहजहां नूं हे इउं कह रहा जी। आखदा अमर सिंह बादशाह दे कोल बैठे, आखदा अमर सिंह बादशाह दे कोल बैठे, गल मैं कलावे वाली दसदा खोल कहके, गल मैं कलावे वाली लैण जाना राणी नू मैं नाले दिल संग है, दे दे ओह जरूर छुट्टी बादशाह तो मंगदा है, दे दे ओह जरूर छुट्टी। बूंदीगढ़ विच्चों चिट्ठी पिता कोल आई है जी, बूंदीगढ़ विच्चों चिट्ठी पिता कोल आई है जी, बूंदीगढ़ विच्चों चिट्ठी पिता कोल आई है जी, नौकरा दे हथ दे के आगरे पचाई है जी, नौकरा दे हथ दे के चिट्ठी दा निशान देखो केसरा दे रंगा दा है, दे दे ओह जरूर छुट्टी बादशाह तो मंगा दा है, दे दे ओह जरूर छुट्टी। आया सी कहने तुहानू कल नू ही जाऊंगा मैं, मुड़ूंगा सताबी जा दे देर ना लगाऊंगा मैं, मुड़ूंगा सताबी जा दे खतरा बहुत जंग दा है, दे दे ओह जरूर छुट्टी बादशाह तो मंगदा है, दे दे ओह जरूर छुट्टी। और कोई कम हुंदा बिल्कुल
ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸਰਦਾਂ ਦੇ ਸੇਤਾਈ ਛੁੱਟੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸਰਦਾਂ ਦੇ ਸੇਤਾਈ महार देवा मेरे ओन तक लिखा फुल अख प्यार देवा मेरे ओन तक लिखा बेबो आगू बनना जेड़ा थोड़े ढंग दा है दे दे ओ हजूर छुट्टी बादशाह तो मंगदा है दे दे ओ जरूर छुट्टी बाद सासना दे चिट्ठी कावल चो आई पाड़ा फौज दे समेत तूता कल नू चढ़ाई फाड़ा फौज दे समेत तूता कर मेल सदा तट भी न लंघदा है दे दे ओ हजूर छुट्टी बादशाह तो मंगदा है दे दे ओ हजूर छुट्टी बादशाह चिट्ठी पढ़ के सुनाई बादशाह मैनु छुट्टी बख्श दे आमर सौ दिया गल्ला सुनिया बादशाह ने बादशाह ने एक लफाफा चुकिया चिट्ठी आमर सिंह के सामने करती शाहजहां ने आमर सिंह एक चिट्ठी होर आई है मेरे कोले पई है लै पढ़ के सुना आमर सौ कहिंदा शाहजहां बादशाह मैं अपनी चिट्ठी आप पढ़ी है तू अपनी चिट्ठी आप पढ़ के सुना कहिंदा आमर सिंह ए चिट्ठी काबलिया की आई है काबल दे लोग बागी हो गए उथे फौज की जरूरत है तू छुट्टी मांग रहा मकलावा लिया वास्ते उधर काबलिया ने हमला करता मैं तेन हुक्म दिना भी तू फौज न लेके उथे चलिया जा अमर सिंह कहता बादशाह मैं छुट्टी जान वास्ते आया मैं जा सकता सी उथों मैं ते तो रह लैन वास्ते आई मैं पिंड नूं जाना गल ही कहती है भी ठीक है उधर युद्ध का काम है मेरे आउण तक मैं तो दस्तखत करा ला जेड़े बंदे ते तेनू उतवारी है फौज की बागडोर उहनू संभाल दिंदे ते मैं पिंड नूं जाऊंगा शाहजहां कहिंदा अमर सिंह तेनू आ दिल्ली का लाल किला सोहना नहीं लगता तेनू मैं चंगा नहीं लगता मेरे नाल दुश्मनी है कोई तेरी मुगलां नाल दुश्मनी है कोई मैं ना जांदा अनकारी कर दंदा मकलावा छड़ दंदा पर चिट्ठी दे उपर मेरे प्यो दे दस्तखत हो गए उहनां नूं मैं रोक नहीं सकदा टाल नहीं सकदा मुनकर नहीं हो सकदा मैं मुकर नहीं सकदा मैं जरूर जाऊंगा बादशाह ने सारे तरीके अपनाए प्यार नाल वड्या के देखिया जदों प्यार वाले सारे तरीके फेल हो गए शाहजहां तख्त तों खड़ा हो गया अमर सिंह हाँ बादशाह तू छुट्टी नहीं जा सकता तेनू काबल दी हदा ते लड़न लई फौज लेके जाना पऊ वो कहना बादशाह मैं छुट्टी जाऊंगा पिंड नूं अपने घर जरूर जाना बादशाह गुस्से च आ गया अमर सिंह तू नहीं जा सकता ए मेरा हुक्म है लेके फौजा काबल दी हदा ते चलिया जा तू मेरा नौकर है बस जदों आ गल कही भी तू मेरा नौकर है अमर सिंह का दिल कटिया गया टुकड़े टुकड़े हो गया अमर सिंह लोहे की खनी वांग शरीर तपन लग्या जिन्हें साबुन उतार कट जाती है अकबर शाहजहां बादशाह की बोली तीर मार के अमर सिंह के कलेजे चूवी खड़ा हो गया तलवार के मुठे ते गया हाथ अमर सिंह कहदा ओ बादशाह मैं चलिया छुट्टी मैं चलिया अपनी मर्जी नाल जे तेरी फौज दे विच कोई बहादुर है जे मैनूं रोकण वाला है तां मैदान च कट लै के नंगी तलवार जद रजपूत जनरल फौजां दा बिगड़ के तुर लग्या तुर पिया जेड़ा तेरा बहादुर है मैनूं घेर के वेखे अमर सिंह तुर पिया जदों थोड़ी दूर लंघिया सलाहत खान वजीर कोल बैठा सी फिर कहण लग्या लै जीजा जी गल सुण मैं तैनू उस दिन आख्या सी भी ये हिंदू बेअकल ने ते इन्हां नू साडे सिर ते चढ़ाता ओते इहदा मान ते जावे करता इहदी बुद्धि छोटी है
छोटी बुद्धि वाले जे वड्याई जावे हो जे ता मूर्ख बन जाए। कहदा कहदी वड्याई जावे करती मान जावे करता ए हंकार चा गया। कहदा अज तेरी बेइज्जती करके तुर गया बादशाह ने फूक भरती ते उधर अमर सिंह तुरिया जांदा सलाबत खान पिछे चल पिया अमर सिंह दे। अमर सिंह कहंदा ओ सलाबत खान मैनू घेरन वास्ते आया। कहंदा ना वीर मैं तेनू घेरन वास्ते कहूं आया। कहंदा होर किवें आया। कहना मैं ता ए गल तेनू कहना भी बादशाह मेरा रिश्तेदार कोई गल नहीं जे तेरे नाल गुस्से हो गया तू फिक्र ना कर तेनू मैं छुट्टी दे दिंदा आ जा मेरे नाल मुड़िया मैं तेनू छुट्टी दवावां। अमर सिंह कहंदा सलाबत खान ओ जिथे रजपूतां दी इक वार अख कौड़ी हो जे उथे दवारे नहीं जाया करते मेरी बादशाह नाल अख कौड़ी होगी मैनू दोबारे मोड़ के ले जाने। हो कहिंदा ओए अमर सिंह तू गुस्से हो गया तू इत्थे ही खड़ छुट्टी मैं लेके आना बादशाह तो तेरी बाबत। सलाबत खान गया बादशाह को बादशाह तेरिया फौजा का जनरल है छुट्टी दे दे। सलाबत खान बादशाह शाहजहां कहिंदा कोई गल नहीं छुट्टी हो है शेर अपना ओ पांच दिन लाया ओ दस दिन लाया ओ छुट्टियां ही ने जो मर्जी आज कोई गल नहीं गुस्से होके चलिया गया रजपूतां का गुस्सा भड़ा सलाबत खान आपां इस गल तो की लैणा उहनूं जांदा तां जांदे आपां फौजा तोर देंगे काबल नूं जांदा जांदे। वो कहिंदा बादशाह तू इउं कर की करां। कहिंदा तैनूं मैं इक स्कीम दसदा की। कहिंदा काबल दीआं हद्दां ते लग्गिआ मोर्चा। कहिंदा ठीक है। कहिंदा अमर सिंह नूं मेरे कहे तो सत्त दिनां दी छुट्टी दे दे। कहिंदा जे दस दिन भी इधर मुड़ी ना। कहिंदा सत्त दिनां दी छुट्टी दे दे उत्ते आपां लिख दिंदे जी जे अठवां सूरज चढ़ गया तेनू लख रुपया जुर्माना जे नौवां चढ़ गया दो लख रुपये जुर्माना जे दसवां चढ़ गया तीन हजार रुपये जुर्माना तीन लख रुपये जुर्माना एक दिन का एक लख रुपया जुर्माना कर दे। शाहजहां हस पिया सलाबत खान की गल सुन के। ओ सलाबत खान हे ना रजपूता तो जुर्माने भाल दे वो तू छेर दियां मुछां नूं हथ पाउणा चाहुंदा कोई गल नहीं आजू दो चार दिनां नूं आपे आजू। कहिंदा नहीं बादशाह। सलाबत खान ने बादशाह तो बेपरवाह होके भी चल रिश्तेदार है कोई गल नहीं अपने हथ नाल लिख के चिट्ठी बादशाह दिया जाके मेरा बादशाह दे सामने ला के जिहड़ियां गल्लां लिखियां ने आके अमर सिंह नूं कहिंदा अमर सिंह बादशाह शाहजहां मेरा भरोई है वो तेरी खातर मैं ये कुत्ते बादशाह तो बेइज्जती कराई। सलाबत खान इधर आके की कहना सके भरोई नूं आके की कहना आके अमर सिंह नूं फड़ा के चिट्ठी सलाबत खान हे क्यों कहना भाई कहे सलाबत खान बादशाह गुस्सा दूर करो सत्त दिनां दी छुट्टी सूरज नूं मंजूर करो सत्त दिनां दी दोहां में दिल फर्क पाउण नौकर के डंग गया लखन तवर माना दे तू बाबा लंग गया लखन तवी आप सभी कुछ लिखता शाही मोहर लगाई राजपूतनू दे दी परका ठीक सुनाई राजपूतनू मुश्किल हो जू पर ना शाही हुक्म लंग गया लखन तवी लखन तर माना दे तू बाबा लंग गया लखन तवी यही मोलत मुश्किल ना लिया ती मैं तेनू समझ सकीरी बड़ी ना मोड़ सक्या मैनू समझ सकीरी मनना पिया जरूरी हो पर कोई तंग गया लखन तवी लख नित जुर्माना दे तू बाबा लंग गया लख नित वही तेरी खातर राजे तो मैं चिड़का सैया ने अल्टीमेटम आ गया फौजा काबल गईया ने अल्टीमेटम कौन लड़ाऊ फौजा दे मगरों जंग गया लख नित वही
लख नित जुर्माना जे तू बाबा लंघ गया लख नित वही बार बार समझावा बाकी तू भुल जाई ना सत दिनानी छुट्टी अठवा रोज लंघाई ना सत दिनानी मुश्किल हो जू पर ना शाही हुक्म लंघ गया लख नित जुर्माना जे तू बाबा लंघ गया लख नित वही इतो तुर खुश हो के गुस्सा कदे चढ़ाइए ना होवण कारज होवण कारज पूरे जेब च झगड़ा पाइए ना होवण कारज सलावत खान चलो ते गुस्सा दंग गया लख नित जुर्माना जे तू बाबा लंघ गया लख नित वही कहे ठोर पकार तुसी ना फिक्र करो मिया बार बार ना इस बात दा जिक्र करो मिया बार बार ना नहीं लगाई देर से अम्मा छेड़ तरंग गया लख नित जुर्माना जे कर बाबा लंघ गया लख नित वही अमर सिंह नु जदा चिट्ठी लिख के फड़ाती अमर सिंह सप सलावत खान चला के गुज्जा डंग गया जाके अमर सिंह नु कहदा अमर सिंह गल इक सत दिनां तो बाद दिन ना ला दी बादशाह कहदा दे अठवां दिन हो गया मैं लख जुर्माना लाऊंगा जे नौवां दिन हो गया वो तेनू 2 लख जुर्माना जे दसवां दिन हो गया तेनू 3 लख जुर्माना 20 दिन तो बादशाह जुर्माना लूंगा मैं बहुत आख्या बादशाह कोई गल नहीं आजू 5-10 दिनों बादशाह कहेगा फिर भी मेरा गुलाम है मेरा नौकर है मैं जुर्माना ला सकता वीर तू 7 दिनों के अंदर आंदरा जी अमर सिंह कहेगा कोई ना वीर तू प्रवाह ना कर मैं तेरी इज्जत रखूंगा तै मेरी इज्जत रखी है मैं 7 दिनों के अंदर अंदर तेरे को वापस आया खड़ा हूं अमर सिंह चढ़ के घोड़े ते छेड़ के घोड़ा दिल्ली तो अपने शहर नवाड़ आ जाए भैणा ने लखड़ियां बनिया मामा ने पानी मार के पीता भी साढ़े अज अकबर दिया फौजा का जन्म लाया वीर भैणा ने गीत गाए हमजोली आ गए जफिया पाते ने आ बई अमर सिंह किधरों आया यार मसा मिले अमर सिंह का पिता कहना भाई तैयारी कर लो जेड़े मुंडिया ने चलना घोड़िया ते बैठ जो आप चलना बूंदीगढ़ 5-10 जितने मुंडे अमर सिंह ने लेने सी ले ले चल पे पहुंच गए बूंदीगढ़ जब बूंदीगढ़ पहुंचे 3 दिन रखे धी वालिया ने सेवा बहुत कमाई है दाज दहेज दिता वे ओड़क हाडी डोले पाई है एक दूजी नू कहन बीबिया होगी भैन पराई है हंस हंसनी वाली जोड़ी रब ने आप मलाई है कुड़िया गीत गाउंदियां ने हंसते हंसनी का जोड़ा मिल गया 3 दिन रखे दाज दहेज दिता अमर सिंह संग रह डोले दे सख्त ड्यूटी लाई है अमर सिंह की ड्यूटी लाती इहदे रिश्तेदारां ने अर्जन सिंह हुरां ने अमर सिंह राजस्थान का इलाका तेनू गोली के नाल अपनी घोड़ी ले जानी पड़ी तू अपने घोड़े नू गोले दे नाल रखी तेरे साथी किते शराबा पीन किते जो मर्जी ऐशो आराम करते जान पर तैं गोली तो परे नहीं होना हुण अमर सिंह अपने गोले दे नाल आ रहा है इधरों 4 मुंडे मुछफुट बैठे है जिन्हां च सब तो वड्डी उम्र दा 19 साल दा है नरसेबाज खां पठान बाकी मुंडे छोटे ओ चारे दोस्त आ आस में गूढ़े मित्र पगवट दोस्त ओ चारे गल्लां करदे कहिंदे क्यों भी सब तो सूरवीर बहादुर केड़ा हुंदा ओ कहिंदे बहादुर ओ हुंदा जिहड़ा बब्बर शेर दा केड़ी शेर नाल मुकाबला करके सिर कट के लियावे नरसेबाज खां पठान दे रहण वाला 19 सालां दी उम्र ओ कहदा फिर मित्रों अज बारी मेरी है मैं कट के लियाना सिर
ला के पंजे हथियार नरसे वाल खां पठान पहुंचा जंगल दे विच ते सामने आ गया शेर। एक पासे शीली दा पुत्र, एक पासे पठानी दा पुत्र, दोनों दा हुंदा युद्ध। ओ शेर नूं मारन वास्ते झपटा चलाउंदा, शेर दुश्मन नूं मारन वास्ते झपटा चलाउंदा। अमर सिंह अपना डोला ले जा रहा है, सुनो भगवान मेल इन्हां दे हे इउं करांदा जी, युद्ध सुनो। कहे पठान सूर मैं अंदर मैनों दाखल कर जा, कला लिया शेर मार के जा फिर यो तो मर जा। अल्लाह पंगे हथियार सूर में बिच जंगे दे जावे, लड़दे शेर पठान दोहा जाओ केड़ा तत्त कहावे। आखिरकार सब भी मेला होया, नजर जंगल का राजा वे जट के वीर खलोया। फिर देखते बंदे पाए बंद तीर नहीं आवे, लड़दे शेर पठान दोहा जो केड़ा तट कहावे। दिला के खड़ा जिमी दे एक इंच ना सरके, बार शेर दा रोक लिया सी ताल सामने करके। बिजली वांगू शेर उसते पल-पल तब टकलावे, लड़दे शेर पठान दोहा जो केड़ा तट कहावे। ए भी पुत पठानी दा जे ए शिरी दा जाया, हिम्मत करे मरे ना बंदा बेदा ने फरमाया। लड़दे शेर पठान दोहा जो केड़ा कट कहावे। ऐसी लड़नी लड़े सूर में गम दोहा दा चढ़िया, होया खून पिघल के पानी डर दोहा दिल बढ़िया। मारी सी तलवार शेर दे चीर काल दा जावे, लड़दे शेर पठान दोहा जो केड़ा कट कहावे। शेर मारता आप डिग पिया होश मां गुम होई, जान बचे जे मुख बिच मेरे पानी पावे कोई। तड़फ जंगल बिच तेला पानी कौन पलावे, लड़दे शेर पठान दोहा जो केड़ा कट कहावे। अमर सिंह खड़ गया सुनके हर जंगल बिच बोले, बेखा पला छेड़ के कोड़ा चट पहुंच गया कोले। ठीक पछाणी सारी तरस देख दिल खावे, लड़दे शेर पठान दोहा जो केड़ा तट कहावे। तेरे बिच सराही पाली दी रखी सी पर के, पै गया नीर जदे मुख योदे उठिया हिम्मत करके। बंदा है बंदे दी दारू जनता शेर बतावे, लड़दे शेर पठान दोहा जो केड़ा कट कहावे। शेर दी ते पठान दी हुंदी है लड़ाई जंगल दे विच। हुण दोवे लड़ रहे, इधर पठानी दा पुत्र उधर शीनी दा पुत्र, एक दूजे ते मौका तारदे ने, दुश्मन नूं मारन वास्ते अपना जोर पूरा ला रहे ने। दोहे डर गए, शेर दे दिल विच इह जच गई वी इह नौजवान मैनू मारू। पठान दे दिल च इह जच गई वी हुण शेर तैनू मारू। डर दोहां दे दिल बढ़ गया, पर ऐसी कुदरत परमात्मा दी, ऐसा खेल परमात्मा दा, नासेबाज खां पठान दी ऐसी तलवार वजी, शेर दा दिल चीरिया गया, छाती चीरी गई शेर दी। शेर हाथ पौंदा डिग पिया, ते इधर नासेबाज खां पठान ने जब शेर डिगदा वेखिया ते इहदे हथों तलवार छुट गई, भी डिग पिया, बेहोश हो गया। मुख चो शब्द निकलदा पानी पानी पानी, पानी पानी की आवाज सुनी। अमर सिंह राठौर जरा डोले लैके जंगल के कोल जो आया, पानी पानी की आवाज ये कन्ना च पई। अमर सिंह के मन में विचार आया, मना जा तो कोई इंसान होना
ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋਣਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੱਡੀ ਲਾਈ ਬਾਗਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਘੋੜਾ ਝੱਟ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੇਰ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂ। ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੂੰਦੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਡੋਲਾ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਡੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਡੋਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਤੁਰਿਆ, ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰਾਣੀ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੋਹੀ ਬੀਆਬਾਨ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਤੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਤਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਘੋੜਾ। ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦਿਲ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੇਹ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂ? ਆਪਦੇ ਮਨ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਘੋੜਾ ਛੇੜਿਆ, ਡੋਲੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਰਾਹੀ ਚੁੱਕੀ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਰਸੇ ਬਾਦ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਦਾ ਸਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਸਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਟੇਢੀ, ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਚ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਕੀਤਾ। ਨਰਸੇ ਬਾਦ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ। ਨਰਸੇ ਬਾਦ ਖਾਂ ਪਠਾਨ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਜਮਾਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਮਰਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ, ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ। ਜਦੋਂ ਝਾਕਿਆ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਬੰਨੀ ਨਰਸੇ ਬਾਦ ਖਾਂ ਪਠਾਨ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਭਾਈ? ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਸੇ ਬਾਦ ਖਾਂ ਪਠਾਨ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਸਰਾਹੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਏ। ਓਹੋ ਨਰਸੇ ਬਾਦ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਿਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਓਏ ਆਖਦਾ ਪਠਾਨ, ਮੇਰੇ ਰੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਤੈ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਆ, ਦੇਵਾਂ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਪਾਣੀ। ਨਰਸੇ ਬਾਦ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਸ਼ੇਰਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਠਾਨ ਆ, ਦੇਵਾਂ ਖੂਨ ਪੀਤੇ ਪਾਣੀ, ਗੱਲ ਝੂਠ ਨਾ ਪਛਾਣੀ, ਲੀਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਇੰਨੀ ਮੁੱਖ ਸੇ ਸੜਾਈ ਆ। ਨਰਸੇ ਬਾਦ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਤੈ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨਰਸੇ ਬਾਦ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਨੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਲਈ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ, ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਤੀ, ਦੋਵੇਂ ਪੱਗਵਟ ਭਰਾ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਸੀ ਪੱਗਵਟ ਭਰਾ। ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਆ ਫੜ ਮੇਰਾ ਡਰੈਸ, ਅਮਰ ਸਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੀਤਾ ਪਾਣੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਪੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾ, ਜਿੱਦੇ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਕੁਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਡੋਲਾ ਹੱਕਲੋ, ਡੋਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਰਠੌਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਮਜੋਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਅਮਰ ਸਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ,
लिया यार खवाप लिया कुछ तड़की शराब नहीं लग जाते आथने सूर छिप जाता हूँ देखो भी अमर सिंह घर के तंदियां च गृहस्थ चुलझ गया साथियां अमजोलियां चुलझ गया सत दिन की छुट्टी आया सी चार बतीत हो गए तीन रहिंदे आ सुनो अमर सिंह दा अगे हवाला भी अमर सिंह नाल घर का चक्कर कबीलदारी का अमर सिंह नूं किवें रजाउंदा ए इउं रजाउंदी आ भी हुण कबीरा कल जुग कहना है संत न पूजे को काम करो दी मशकरा तिन का आदर हो हो पापिंग प्यार दी बैगे ने पापिंग प्यार दी बैगे ने सब ख्याल पराने ठहरे ने दिन चार गए तिन रह गए ने बिच फस गया काम दे फंदे दे पापी होश बगाड़े बंदे दे ना पैना मोड़े राणी ना संग मुश्किल छड़ना हानी ना रंग रूप देख डुब जानी ना दिल बांग बर्फ दे करदा है मन मस्त गाफली करदा है की कहा काम दे बारे जी इन रावण वर्गे मारे जी मशहूर कहानी सारे जी तालाल रौन दे जंग करे वेखो नारद जी की तंग करे तेरे खासे मगर आया सी किन्ना सोना मुख दिखाया सी मां प्यो नू मसा ते आया सी ओ पुत्ता दीपक हुंदा करदा है मन मस्त गोफली करदा है हम जोली सुन के आउंदे ने जफी अमर सिंह नू पाउंदे ने बचपन दी कथा सुनाउंदे ने दस क्यों इन्ना चिर लाया तै ला नशा खुशी दा प्याया तै दिन हस के बीत दे पानी में रह गाफल नशे दे पानी में जम उज प्यार दी तानी में फिर कर्म बंदे दा हरदा है मन मस्त गाफली करदा है दिल ख्याल उठन दे ओरे जे मुड़े आवांगा बादशाह मोरे जे दिन होर रहा मा थोड़े जे ना इन किसे दी परनिया जो मन आई सो करनिया केड़ा अपनू किसे ने कुछ कहना है ना कोई जुर्माना लेना है मैनू मन्ने बादशाह गहना है मैनू मन्ने बादशाह गहना है ओनू मेरे बाद ना सरदा है मन मस्त गाफली करदा है मोकाम बहुत बा जोर गए देखो राशन करके चोर गए दिन सत दी बजाए सत हो गए यही गल सलावत टोले जी जा कहे बादशाह कोले जी हो तेरा शेर है तेरा जमाने ना पता लग जू हुक्म पलाने ना देवे सत लख जरमाने ना वे नहीं फकर कहे कम नरदा है मन मस्त गाफली करदा है अमर सिंह राठौर घर दे धंधियां चुलझ गया हमजोलियां चुड़ गया सुबह का टाइम होंदा शराब पी लग जांदे होर लंघे सलावत खान ने सोचिया भी सत दिन गैर हाजिर हो गया अमर सिंह सलावत खान इस गल की भाल दे विच सी भी किवें ना किवें केरा मौका मिल जाए सलावत खान
जा पहुंचा शाहजहां दे दरबार च, ओ बादशाह कहंदा हां, कहंदा तेरा शेर जमाने दा कहर है। कहंदा की कहना है? कहंदा जीनू कहना सी मेरा शेर आ मेरा बहादुर जरनल है। कहंदा तैनू पता छुट्टी कैद ना ली सी? गए नू किन्ने दिन हो गए? कहंदा आहो 7 दिनां दी छुट्टी सी भाई, 7 दिन होर हो गए। सलावत खान कहना फिर यो कर, चिट्ठी लिख रहे अमर सिंह नू, ओनू कह भी 7 लाख रुपया जुर्माना दे जा, चिट्ठी पा दे अमर सिंह नू। बादशाह फिर सलावत खान नू कहंदा, सलावत शाहजहां आके सुन सलावत, ओ आजू अज सवेर सुता पिया सलावत, किते छेड़ लई ना शेर। सलावत खां केड़े मंगदा जुर्माने रजपूतां तों? कोई गल नहीं, आजू अज सवेर रहन दे। कहंदा नहीं बादशाह, चिट्ठी लिख। मजबूर कर लिया बादशाह नूं। बादशाह कहंदा कोई गल नहीं, ओए 7 दिन लंघे, 7 होर लंघ जाणगे। कहंदा बादशाह इधर काबुल दी अहदा ते लड़ाई लगी है, ते आपां अपना जनरल घरे बैठा हो, कि लानत की गल है, लिख दे चिट्ठी। बादशाह कहना मैं तां नहीं लिखदा। सलावत खान पहुंचा तख्त ते, कलम चुकी चिट्ठी लिखण लग गया। हुण चिट्ठी दे उत्ते जिहड़े शब्द ना शहर मवार नूं अमर सिंह दे खिलाफ लिख रहा है, बारे शब्द रजपूतां दे लिखण दी लोड़ ही नहीं। बस पहला शब्द लिखिया, ओ काफर, बस इन्नी बहुत। हुण देखो भी सलावत खान अमर सिंह नूं बादशाह ने बगैर कहे चिट्ठी लिखदा बादशाह दे तख्त ते बैठ के, ओ सलावत, ओ अमर सिंह, तू बहादुर नहीं है, तू गिदड़ है। तेरे बाप दे मां नूं 4 चन्न लाउणे सी मिट्टी च मिलाता, तू रजपूत नहीं है। हक्का दे मर्द मैदान चो भज देना, पग नारान नहीं पहनाई जानी, हथी मर्दां दे चूड़े थप देना, हथी अपने ना अर्थी उठाई जानी, मेने मार दी दुनिया लख वारा, हो नहीं यारा तो पिठ पमाई जानी, हो कदे अग ना लगे समुंदरा अग बुझाई जांदी। ओ चिट्ठी लिख दित्ती बादशाह लिखावे ना, ले आ सोच मैनू कोई भी बुलावे ना, ओ काफरा शर्म तेनू आवे ना, साढ़ा 7 लाख आके जुर्माना पर जा, जेड़ा करके गया सी वाला पूरा कर जा। गलाया रजपूती ताई ढंग लै, दिसे इक तेरे बचने न ढंग लै, गल पल्लू पा के आके माफी मंग लै, दिल्ली दे दिल उत्ते आके बादशाह दे पैरां दे, होके राजपूत बार ते असूल करां दे। ओ चंगा नाम युग की तमाई बाप दा, बिचो गिदड़ ओ तुद शेर जापदा, सारे वेखण चढ़ाया चंद आपदा, तैनू कीता जोर लैल रह गया गवार, ओए हुण फिटे नू फिटे नू तेरे लख वार, ओए खुस गया सरदारी वाला डर जा, खुस गया सरदारी वाला डर जा, वड्डा सूरमा जहर खा के मर जा, केने उतरू उतारे वे न कर जा, हुण सच ना गुजार तू ते हाड़े लहरां दे, हो के राजपूत पर ते असूल करां दे। हार मिलू तैनू राई दे प्यार दा, हुंदा सूरमा कदे ना बाला हार दा, खौब दिल तो भला तो सरकार दा, खेल बच्चिया दी साडा हुक्म पछाणिया, तेरी वेख ली जबान अज बेजबानिया। बुरा आदमी बुरी तो नहीं टलदा पला में, बुरा आदमी बुरी तो नहीं टलदा, तीर खा सलावत दलदा, नहीं बादशाह नूं पेड़ इस गलदा, कर जांदे ने मुजड़ दिए जाड़ गैरां दे, होके राजपूत बरते असूल करां दे। लिख के लफारे विच पाईआ, उत्ते बादशाही मोहर लगाईआ, हुण कीड़े हथ जावे फड़ाईआ, सोच दिल विच जाया चिट्ठी लेके जाऊगा, हुण छड़ना नी सीस तड़ तो जाऊगा। हथ राम सिंह दे फड़ा दिए हे चिट्ठी, हथ राम सिंह दे फड़ा दिए, हथ चाचे ने पतीता मारवा दिए।
ਮਮੋਰੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚਫਲਾ ਦੀਏ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਪੂਤ ਵਰਤੇ ਅਸੂਲ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਲਈ ਲਿਫਾਫੇ ਚ ਪਾਤੀ ਉਹ ਕਾਫਰਾ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨਾ ਤੈ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਸਲਾਵਤ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਸਲਾਵਤ ਖਾਨ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ ਉਹ ਕਾਫਰਾ ਪੰਜੇ ਹਥਿਆਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਪੜਨਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਿੱਠੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਾਈਏ ਐਤਨੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਕਾ ਭਤੀਜਾ ਜਸਵੰਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਾਬਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪੇਸ਼ਲਾਰ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਵਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕਾਬਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਾਬਲ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾ ਸਲਾਵਤ ਖਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਆ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਫੜ ਲਈ ਕਾਕਾ ਆ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਚਾਰ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਆ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਜਾ ਚਿੱਠੀ ਕਿਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਲਈ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਤੇਰੇ ਚਾਚਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਕਾ ਚਿੱਠੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾ ਦੂੰਗਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਜੇ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਲੜਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਲਾਵਤ ਖਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਿਆ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੋਟ ਹੈ ਜੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੋਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਦੋਏ ਹੱਥੀ ਲੱਡੂ ਨੇ ਲੈ ਕਾਕਾ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮਵਾੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੱਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰਾਣੀ ਹਾਡੀ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖੜਕਾ ਸੁਣਿਆ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਣੀ ਹਾਡੀ ਬੁਰਕੇ ਵੱਲ ਨੱਠੀ ਬੁਰਕਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਭੱਜੀ ਐਤਨੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆ ਬਈ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਰਾਣੀ ਹਾਡੀ ਆ ਗਈ ਬੈਠ ਗਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਏ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਕਾਬਲ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੱਢ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾ ਦੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਚਾ ਚਿੱਠੀ ਫੜ ਤੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਧਰੇ ਹੋਏ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਉਹ ਕਾਫਰ ਬਸ ਉਹ ਕਾਫਰ ਪੜਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਪੜ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋ ਸ਼ਬਦ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਹੇ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਜਾਲਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਪੜ ਕੇ
ਉਠ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀ ਦੋ ਤਨ ਮਾਰ ਕਸ ਕੇ ਹੂਰੇ ਹੋ ਦੂਰ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੋ ਖੜੇ ਰਾਮ ਸਿਆਮੂਰੇ ਜਾਦੇ ਇਤਨੇ ਲਭ ਜਿਲਖੇ ਡਿੰਡਾ ਕਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਆਖੇ ਤੂੰ ਨਾ ਅੰਸ ਰਾਮ ਸਿਆ ਸਾਡੀ ਖਾਵਣ ਸੂਰੇ ਹੋ ਦੂਰ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੋ ਖੜੇ ਰਾਮ ਸਿਆਮੂਰੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਅਸਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਲਾਡੀ ਲਾਜ ਪਛਾਹ ਹਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜੰਮਣ ਲਾ ਤੇਰੇ ਜੈਸੇ ਦੇ ਸਹੂਰੇ ਹੋ ਦੂਰ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਹਥਿਆਰ ਲਾਹੇ ਸੀ ਥੱਪੜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਜਿਆ ਓ ਰਾਮ ਸਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਅਣਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕਾਫਰ ਗਦਾਰ ਨੀਚ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਅਰਥੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਰਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਰਜਪੂਤਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੁੰਘਿਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿੰਦ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿੰਦ ਸਾਨੂੰ ਭੈੜੇ ਨਾ ਕਹਿ ਖੂਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨੀ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚਾਚਾ ਪਰ ਨਿਕ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇਜੀ ਪੰਜੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾ ਲਏ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਉਹ
करदा उहदा 7 लाख जाके पूरा। अमर सिंह ने ला के पंजे हथियार घोड़े ते होया सवार, राणी हाडी मकलावे आई होई ने बाग फड़ ली। पति दिल्ली नू ना जा, कहना की गल ला गुस्से च आया रजपूत, फड़िया गुट राणी दा पिछे करती। असी रजपूत होने जिथे हां हो जे चाहे साडा सिर लग जे पिछे नहीं मुड़ते, जे ना होगी फिर हां नहीं करते, जे हां होगी तो ना नहीं करते। राणी पिछे हट जा मैनू रोकना। हुण अमर सिंह रठौर होके घोड़े ते सवार उधर दिल्ली नू जांदा, ते दिल्ली दे विच बादशाह शाहजहां तख्त ते बैठा, खब्बे पासे दा साला सलाब दिखाण बैठा, ऊंचा 10-15-26 फुट ऊंचा, 26 फुट ऊंचा सी तख्त आम जनता तो। तख्त दे उपर बैठा बादशाह, अमर सिंह दा दगर दगर करदा घोड़ा जदों लोकां दे विच वड़िया, इधर लोक बैठे इधर लोक बैठे, सलामत खान लग्या उठ के भजण। उह शेर दी झवट चो शिकार नहीं निकल सकदा। अमर सिंह ने बुरक को घोड़े दे उपरों मार के सलामत खान दे सिर च तलवार, सिर तां करता कलम, सिर डिग शाहजहां दी झोली च। कहदा बादशाह 1 लख चक बाकी होर दिना अमर सिंह हे, त्यों कहदा फिरदा वे। दिल्ली दे दरबार पकड़ के हथ शमशीर खड़ा, राजपूत ना बेख हो गया जट वजीर खड़ा, सब मलाज मसूरा बिच भी मार गया, खान सलाब तबारा धड़ते सीसु तार गया, धड़ते उड के सीस योस दी चाली पै गया, 1 लख तो साव बादशाह 6 लख रह गया, करके नहीं मार गया, खान सलामत बाहों तरते सीसू तार गया, बकरिया दे बिच जिस तरह बल बगाड़ गया, लड्डू वांगू कुमदा है कईयां नू राड़ गया, की जान बताए शादी उठ के पार गया, खान सलामत बाहों तरते सीसू तार गया, बच गया तरकला हाहाकार पई होवे, अमर सिंह दे उत्ते मारो मार पई होवे, अपना अपना सीना करके ठंडो ठार गया, कान सलामत बाला धरतो सीसु तार गया, घोड़े उत्ते चढ़िया अमर सिंह जान फिरदा, जो रावण दी लंका अंदर हनुमान फिरदा, और मिलूंगा ना के आप रघोर पकार गया, आप रघोर पकार गया, खान सलामत बाला धरतो सीसु तार गया, अमर शेर जबकदा फिरदा बिच बजारा दे, अमर सिंह ने कट्टे धरतो सीसा जारा दे, ती उत्ते लोथा नया बाज खलार गया, खान सलामत बाला धरतो सीसु तार गया, शाहजहां ने जाके गल्ला दसिया बेगम नू, सुने पीर दी मौत पै गया गसिया बैगम नू, कहने फकर शेर दा चेला दंता छंदो तार गया, खान सलामत बाला तड़त सीसे तार गया। अमर सिंह ने घोड़े तो गुड़क के तख्त ते बैठे सलामत खान दा सिर कलम करता, चक बादशाह 1 लख बाकी दा 6 लख रह गया, शाहजहां उठ के भजन लग्या, इन्नी कह के गया जदों कुर्सी तो उठ के भजया, फर लो अमर सिंह नू, बस इन्नी गल आखी सी, जिन्ने फौजी सिपाही सी टुट के पै गए अमर सिंह नू, पर किथे फौजां दा जनरल किथे आम सिपाही, हजारां दे सिर कटे, जिहड़ा बाजार च सिर चुकदा तलवार मार के जांदा जांदा सिर कलम कर जांदा, जिहदी अख मैली लगदी अमर सिंह सिर कलम कर जांदा। आगरे दे किले च पहुंच गया ते नाल दी नाल गल घोड़िया वाली फौज पहुंच गई, अमर सिंह नूं घेर लो जिउंदा ना जावे, किले दी फौज भड़क गई, सारी फौज ने हमला करता, जदों हमला कीता 25 फुट दीवार है किले दी, किले दी कंध 25 फुट उच्ची है, तुसीं अपना हिसाब ला लो, अमर सिंह खड़ा हेठां घोड़े नूं कीता इशारा, चेतक नसल दा घोड़ा सी,
ਤੋੜਾ ਫੁੜ ਕੇ 25 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਜਾ ਖੜਿਆ। ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਘੋੜਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਘੋੜਾ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਿਆ, ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਗਿੱਟੇ ਚਾਰੇ ਗਿਰੀਏ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ, ਘੋੜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸਦਾਗਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਦਾਗਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੋ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਹਿੰਦਾ, ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 180,000 ਰੁਪਇਆ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਨੇ ਦਾ 20 ਮਣ ਪੱਕਾ ਘੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮੇਲੇ ਤੇ ਰੋੜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ, 180,000 ਰੁਪਇਆ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਗੁਣ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾ। 20-25 ਬੰਦੇ 10 ਮੀਲ ਦੂਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾ ਦੇ, 20-25 ਬੰਦੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਬਸ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ। ਹੁਣ 20-25 ਬੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹੋਇਆ ਹੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੰਗੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਛਾਲ। ਜਦ ਘੋੜਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਟੱਪਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਘੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਤਿਗ ਸੀ, ਹੇਠਲਾ ਪਾਸਾ ਸਾਰਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਘੋੜਾ ਹੇਠੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਘੋੜਾ 20 ਗਜ 10 ਗਜ ਜਿੱਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ, ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਸਵਾਗਰ ਨੂੰ ਥਾਪੀ, ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇਰੇ ਘੋੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੋਲ ਉਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਣਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਰਠੌਰ ਕੋਲੇ, ਚੇਤਕ ਨਸਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਚਾਰੇ ਗਿਰੀਏ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਿਆ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਿਆ। ਆਗਰੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਜਣੋ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਵਾੜ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਉੱਠਿਆ ਭੱਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਜਨਾਨੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਗਿਆ। ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਦਮ ਚੜਿਆ ਪਿਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਬੇਗਮ ਨੇ, ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਰਾਣੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਚੰਦ ਚੜਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਝਪ ਮਾਰੀ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਈ ਹੋ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸਲਾਮ ਆ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪ ਤਾਂ ਵੀਰ ਰਾਣੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਪਠਾਨ ਸਿੰਘ ਛੱਤਰੀ ਜੋ, ਕੌੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਸੀਰ ਰਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਦਾ ਕਾਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ, ਹੋਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਰਾਣੀ।
छड़ के दे हुण बन के बैठ जा तीर राणी कीती इक ने मरे अनेक बंदे एथे मुक दी गल अखीर राणी जैसी करे फतेरा तारे बंदा एथे मुक दी गल अखीर राणी ओ तू अपनी जान बचा इत डक पैण दोपहर तेरा यार देन गे टा रजपूत सिंह छत्री राणी तिने कैर नहीं कहोंगे अमर सिंह राठौर गल इनी सी तेरा भरा यह कहता सी भी दिल्ली के तख्त नूं सलाम करे पर शर्त अमर सिंह दी पहला लगी सी तेरा भरा चाहुंदा सी मैं तख्त ते बैठा होवां जब अमर सिंह तख्त नूं सिर चुकावे मैनू सिर चुके गल तां इतनी सी राणी कहना फिर होया की कहनी होया की कहना होना की सी इनी गल ते खिज चलदी चलदी बहस चलदी चलदी अनेक बंदे मरे कीती तेरे भरा ने और चिट्ठी लिखी कैर गवार गदार कहियां गईयां रात दा कालजा चीर राणी बर्दाश्त नहीं कर सकिया राजपूत राजपूत पठान सिंह छत्री जो कौड़ी इन्हां दी समझ तसीर राणी कहिंदा इह शेरां दी मुछ नूं हथ पाया तेरे भरा ने उहने दरबार दे विच आ के तेरे भरा दा सिर कलम करता होर गल्लां की कीती एक ने मरे अनेक बंदे कीती तेरे भरा ने मर गए होर अनेक निर्दोष इत्थे मुकदी गल अखीर राणी कहना मिटी तक लिखी तकदीर नूं कोई नहीं मेट सकदा ते समा बतीत हो गया रात कट्टी अगला दिन आ गया बादशाह शाहजहां तख्त ते खड़ा होया 25,000 रुपया थाली च रखता 25,000 रुपया गिन के सोने दियां मोहरां रखतियां थाली दे विच नंगी तलवार रखती पाना दा बीड़ा रखता कहना क्यों भी मेरे दरबार दे विच कोई ऐसा बहादुर है जेड़ा अमर सिंह राठौर नूं फड़ के लिया सकदा है पंज पिंडां नाम दे दूं सोने दा कड़ा दूं जगीरा बख्श नूं कोई ऐसा बहादुर होवे जेड़ा अमर सिंह नूं दुबारे दरबार च फड़ के लिया हुण कौन उठिया सजनों लोग वावे मानसा ज्यों पानी नूं बूर ओए 70 झोले दे लिए कदे नहीं हुंदा दूर लोग बड़ा बेईमान कौन इहदा सका साला उही अर्जन सिंह ओह भी अकबर दियां शाहजहां दियां फौजां दा नौकर सी ओह भी फौजी सी उहने जाके तलवार दे मुठ्ठे नूं हथ पाया 25,000 रुपया सोने दियां मोहरां कीतियां कब्जे च कागज लिया अपने कब्जे च बादशाह मैं लिया ओ कहना ठीक है ता तू भी रजपूत ओ भी रजपूत है तू लिया सकदा पर लियाने या किवें शेर नूं कीलेगा किवें कहना बादशाह गल मेरे ते छड़ दे मैं उहदा सका साला तैनूं पता नहीं मैं अमर सिंह दा सका साला कहना अच्छा कहना मैं जाके एक बार भैन दे चरनी पग धर दूं एक बार भड़ोईए दे चरनी पग धर दूं दोहां नूं मिलूंगा कोई गल नहीं मैं उहनां नूं लेके आ गया मैं लियाऊंगा अमर सिंह नूं अर्जन पहुंचिया मेवाड़ शहर पहला भैन हाडी नूं मिलिया पैरी पग धरती भैन नमस्कार करदा भैन ने मौके दे मुताबिक आशीर्वाद दिता फिर अपने भड़ोईए अमर सिंह राठौर कोले वग गया ओहदे चरनी पग धरी हथ मिलाया गलबकड़ियां पाके प्यार दियां गल्लां कीतियां सारी रात गल्लां करदे रहे अमर सिंह दे मुखों निकल गया अच्छा भई अर्जन सिंह तू तां जे नौकरी करदा है शाहजहां दे दरबार दा हाल सुना की है दिल्ली दा ओह कहिंदा यार दिल्ली दा की हाल है अमर सिंह मेरे तो बाला की कहना है बादशाह दा तेरे नाल बहुत प्यार सी कहिंदा हां प्यार बहुत सी बादशाह क्यों दोहां दे दिलां विच प्यार तां उन्ना ही सी बचाले सप सलावत खान सी
बहुत करता सी बादशाह मैनू छोटे भरा वांग प्यार करता सी। कहिंदा यार फिर तेरे नाल बादशाह दा इन्ना प्यार सी जद तू नौकरी छड के आ गया ओए मुड़के शाहजहां तख्त ते नहीं बैठे दरबार बंद हो गया दिल्ली दा राज बर्बाद हो जू मुगलों का झंडा नीचे गिर जू एहो जिया गल्लां लग्या करन। कहना जीजा जी मैं तेन कर बेनती करदा जे मन लेगा तो भी जे दिल्ली के तख्त नूं तू बुलंद रखना चाहना है अपनी इज्जत रखना चाहना है तू मेरे नाल तड़के दिल्ली नूं चल। बादशाह ने मैनू भेजिया भी मैं अमर सिंह नाल अमर सिंह के सामने खड़ी जनता के विच गाड़े विच पल्लू पा के माफी मंग लूंगा। अमर सिंह मेरा छोटा भरा मैं तेनों लैण वास्ते आया जीजा जी चलोंगे। अमर सिंह कहिंदा हां चलूंगा। अर्जन सिंह कहिंदा भी जब हां कहती हुण तां बस काम बन गया हां होगी चाहे कुछ हो जाए। रात बतीत होई सुबह का टाइम होया अर्जन सिंह भैन कोले आ गया भैन असी दिल्ली नूं जाणा की करन वास्ते सुलाह करन वास्ते मेरे भणोईए दी सुलाह करवाउणी। अमर सिंह भी राणी कोल आ गया राणी मैं दिल्ली नूं जाणा। राणी कहदी पति दिल्ली नूं ना जाए देखी कितें दिल्ली चलिया जावे आपे आउणगे बादशाह चल के आपे आउणगे आउणगे बादशाह चल के जीनू तेरी लोड़ बालमा आज शाम नूं आज शाम नूं पवा जी पाल के अजना नूं मोड़ बालमा आज शाम नूं सुला जाके करन ना सूरे सुला जाके जाके करन ना सूरे सिट जीना सिटी ना कली मरोड़ के हाथ जोड़ दी पति दे मूरे कली नूं ना जाई छोड़ के हाथ जोड़ दी पति सूरवीर कदे जाके सुलाह नहीं करया करदा तू बहादुर दिल्ली दे तख्त ते मुड़ के ना जाई तेरी अख मैली होगी। वह कहिंदा फिर हुण तेरे वीर नाल मेरी हां होगी मैं जाऊं तां जरूर। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰਜਨ ਨੇ ਪੈਰੀ ਪੱਗ ਧਰਤੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੁਹਾਗ ਉਜਾੜ ਦਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਟਨਾਈਟ ਕਰ ਦੇ ਫੇਰ ਭੋਲੀ ਭੈਣ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਕਮਲੀ ਹੁੰਨੀ ਹੈ ਘਰੇ ਆਈ ਲੱਛਮੀ ਧੱਕੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ हां होगी मेरे जीजा दी ए हां तो मुकरदा नहीं आ शाहजहां ने फौजा दा जनरल है मामूली आदमी थोड़ा मेरे वर्ग मुकर जू पक्का कर। दो घोड़िया ते सवार हो गए जदों घोड़े ते अमर सिंह सवार होण लग्या पंजे हथियार लगे अर्जुन सिंह नूं कहिंदा बैठ अर्जना घोड़े ते अमर सिंह कहिंदा जीजा मैं नहीं घोड़े ते बैठ की गल है। कहना जीजा मैं तेन एक गल आखी सी रात तू चलिया सुलाह करन वास्ते ते मैं तेन लेके चलिया सुलाह करवाउण वास्ते राजीनामा। जब राजीनामा किसे दो तरह का हुंदा झगड़ा होवे उदो हथियार कोई नहीं लेके आउंदा तू हथियार ना लाके जा। अर्जुन नूं पता सी भी जे हथियार लाके वागिया फिर किसे दे पल्ले कुछ नहीं पैणा काबू नहीं आना। अमर सिंह की हां हुई है अर्जन सिंह भी जिम्मे कहेंगे ठीक है रिश्तेदार ते पूरा मान हथियार लाते लै अर्जना मैं हथियार भी नहीं लाऊंगा। हुण होके दोवें घोड़िया के उपर वह शेर नूं गिदड़ परेड़ के लै गया वह मौत के हवाले। लो सुनो अमर सिंह नूं सका साला अर्जन सिंह आपकी भैन के सुहाग की परवाह नहीं की हुण लैके अमर सिंह ते अर्जन सिंह दोवें दिल्ली दे दरबार नूं आउंदे आ दोवें गल्लां करदे हे इउं आउंदे आ बई राणी हाडी दे कहे तो मन्निया ना हो गए घोड़िया उत्ते सवार दोवें राणी हाडी दे कहे तो मन्निया
पहुंचे, जब दिल्ली के बाजारों में पहुंचे, अमर सिंह कहता अर्जना कहता हार रिश्तेदार हार रिश्तेदार कहता दिल्ली का बाजार बंद पे है। वो कहता जीजा जी जिथे फौजा के जनरल दी ते बादशाह दी खड़क जे आपस में दोहां दा हो जाए रोस दोवें होण प्यारे दोहां नूं हो जाए बजोग फिर बाजार खुले किवें रहणगे। किले दे गेट दे अगे जा पहुंचे जदों लाल किले दे गेट दे अगे पहुंचे गेट बंद है। अमर सिंह कहिंदा अर्जना किले दा गेट भी बंद है और दिल च अमर सिंह सोच रिहा भी आप आ गए हां होगी पर हां बिना हथियार किते कसूता पंगा ना पै जाए। पर अमर सिंह दे एक छोटी कटार जिवें अपने गात्रा हुंदा छोटी कटार ओ अर्जुन नूं दिखी नहीं, नहीं ओ भी लहा दी ओ पहनी सी। जदों गेट दे किले दे अगे गए ओ मंत्रियां नाल अर्जुन मिलके सारा काम करके आया सी। किले दे गेट दे अगे गए अमर सिंह कहिंदा अर्जना किले दा गेट भी बंद पिया। वो कहिंदा आपां दूए पासे नहीं हो जाए दूए छोटे गेट गए छोटे गेट विच बंद करा के एक छोटी जी मोरी रख रखी अर्जन। अमर सिंह कहिंदा हां जीजा जी हां अर्जना कहिंदा इस मोरी विच दी अंदर चलदे आ। जदा मोरी विच दी अंदर चलदे आ अर्जन ने इशारा किया कहिंदा ओ गदारा जिस तख्त नूं अज तक मैं सलाम नहीं कीती अज धोखे नाल मेरा सिर नीवा करना चाहुंदा मैं इस मोरी विच दी सिर नीवा करके बना। अर्जन कहिंदा ओ जीजा तू सूरवीर है बहादुर है मैं गलती कर गई मेरी बहुत बड़ी गलती है ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਰਜਪੂਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸੀਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਤੇਰਾ ਇਹੀ ਪਰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਪਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰੇ ਪਾ ਲੈ ਪੈਰ ਪਾ ਲੈ ਜਦ ਪੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵੇਗਾ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਝੁਕ ਜੂ ਸਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਪਾਏ लक तक मोरी दे अंदर ते अद्धा तर सिर बाहर अर्जन ने ताड़ के मौका गदार ने कट के तलवार अमर सिंह ने मार के गल ते जदों मार लगदे ना तलवार फटड़ होया अमर सिंह ने मारी कटार अर्जन का भन्या कटिया नक लो सुनो कविता आउंदी है धोखे नाल लुट लिया खजाना वीर ने ओ भैण दे सुहाग दा हे पहु आउंदी है रथ ने कदम अगे नू सहारिया पिछे तौल कड के अर्जन ने खिच तलवार मारिया दोवे पैर कड के छाया लिखी तक वीर ने मूर्ख भागना धोखे नाल लुट लिया खजाना वीर ने भैन ने सहागना चिक दिन कट जा चौक तार जी वो रात ने चलाया अर्जन दनक दिता है तार जी ते निशानी पाईया रोत खाता असली तस्वीर ने बच्चा तखी नागना धोखे नाल लुट लख चलना वीर ने तभी भैन ने सुहागना टिक दिन मुख बच ने अचार मुख सिर चार ने राजपूत बच्चा छत्तरी ने मारिया तेरी चट्टी पार ने ਲੱਖ ਜਾਨਾ ਵੀਰ ਨੇ ਭੈਣ ਨੇ ਸੁਹਾਗਣਾ
ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਭਰੋਈਏ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਇਨਾਮ ਦੇ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਜਗੀਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਕੇ ਭਰੋਈਏ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸਿਰ ਚੱਕਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਤਾ ਲੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਪਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਾਲਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਅਰਜਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀਓ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਜਨ ਦੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਠੋਕ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਕਾ ਪੜੋਈਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਦ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਕੇ ਪੜੋਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਦਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਕੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸਕੇ ਪੜੋਈਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਇਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਰਜਨ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਛਿੜਕਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਧੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਲੂਸ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਦਾਰ ਨੀਚ ਪੁਰਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਭੈਣ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਭੈਣ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਦਹੀਂ ਛਿੜਕਾ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤਲਵਾਰ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਹਮਣੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਧਰਤਾ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਾਸ਼ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਦੋਸਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਬਈ ਇਹ ਰਜਪੂਤ ਸਾਰੇ ਇਤਨੇ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਯਾਰ ਪ੍ਰਤਿਆ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਤਿਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਮਵਾੜ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਹਾਡੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਆ ਦਿੱਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਪੂਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਬਸ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ ਮਵਾੜ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਡੀ ਕੋਲੇ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਰਾਣੀ ਹਾਡੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦੋ ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਹਾਡੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦਾਤੀ ਸੀ ਚਰੀ ਵਰਦਾ ਸੀ ਦਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਵੀ ਰਜਪੂਤ ਕਿੰਨੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਵੇ ਦਾਤੀ ਸੀ ਦਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਖ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਲੇ ਪੱਲੀ ਸੀ ਪੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਵਫਾਦਾਰ ਕੌਮ ਹੈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਰਜਪੂਤ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਪੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇਜੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੜੇ ਕੁਝ ਮਰੇ ਰਜਪੂਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਰਜਪੂਤ ਵਾਪਸ ਮੇਵਾੜ ਪਹੁੰਚੇ ਬੀਬੀ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਰਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਲਾਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੌਲੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਮਚਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਣੀ ਹਾਡੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਚੌਧਰੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਰਜਪੂਤ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ ਰੋਟੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸੋਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਲੋਹੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੌਲੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਚਮਚਾ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗਲਾਸ ਜਦੋਂ ਆਹ ਬਰਤਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੇ ਰਜਪੂਤ ਕੁੰਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਰਾਣੀ ਰਜਪੂਤ ਕੌਮ ਦੀ ਐਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਰਾਣੀ ਹਾਡੀ ਨੇ ਪਰਦਾ ਚੱਕਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਜਪੂਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਚ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਧਰਕੇ ਖਵਾਉਣ ਰਾਣੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੂਰਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਾ ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਰਜਪੂਤ ਫਿਰ ਪੜ ਉੱਠੇ
चक लो हथियार चलो दिल्ली नू चलिए। राणी हाडी अगे होगी कहती ठहरो आए नहीं जा सकते की गल जसवंत राम सिंह ताजे काबल दी हदा ते बैठे ने उन्हां तो पति ने भी गल की होगी कहने फिर करिए की कहनी जाओ एक तो उठे नहीं जाओ ते बाकी दा लाला जेड़ा हो तुसी तुरदे तुसी आए ना तुरो एक मेरे को ड्रेस पे ओ ड्रेस दे उत्ते लिखिया नासेवाल खां पठान कैंथल अमर सिंह दा पगवट दोस्त है तुहाडे भरा नासेवाल खां पठान है ओदे मुख दे विच पानी पाया सी ओदा लिखिया पिया भी मैं तेरे पानी दे बदले खून देऊंगा जाओ ओनू पता कर हुण जदों कैंथल वाले नासेवाल खां पठान नूं लग्या पता ओ तेरे यार दी लाश दिल्ली पई आ जिने तेरे मुख च पानी पाया सी हुण मित्रों नासेवाल खां पठान यार दा सुन के सुनेहा राणी हाडी नूं मिलके दिल्ली ते हमला कर दिल्ली ते हमला कीता नासेवाल खां पठान ने अपने यार दी लाश चुक ली लाश चुकी लाश नहीं आउंदा लाश गिरा ली फौजियां ने एक पासे नासेवाल खां खड़ा लाश दे उपर एक पैर उधर एक उधर लड़ाई लड़ रहा है नासेवाल खां पठान दा वड्डा पुत्र सामने आया अब्बा जान मैनू की हुक्म है कहना पुत्र तेनू की हुक्म है आ लाश है तेरे चाचा जी दी मेरे पगवट दोस्त दी ए जाके तेरी चाची नूं फड़ा दे उस बच्चे ने लाश नूं चक्किया चार बच्चे नासेवाल खां पठान दे सी उस मौके चारे बच्चे दिल्ली दी फौज नाल लड़दे शहीद तीन बच्चे हो गए नासेवाल खां पठान शहीद हो गया चौथा बच्चा लैके लाश अपनी चाची को लाश लैके चाचे दी लैके अपने प्यो दी लाश क्यों दे प्यो ने कहा सी ना जिथे मेरे यार दी चिता होवे उथे मेरी भी चिता हो हुण दोवां नूं लैके राणी हाडी मवार चिता चलाई अपने घर वाले दे यार दी ओए ऐ मित्रो यारी ए आ दोस्ती बाकी दियां दोस्ती दियां झूठियां पता ना बन्निया करो ना नासेवाल खां पठान दी चिता राणी ने अग दे दी चिता दी ते फिर अपने पति दा सिर अपनी गोद च लैके ज्योंदी अपने पति नाल सती होगी ए कुर्बानी भैणे ही कर सकदियां ने सती हो सकदियां ने सो ये इतिहास अमर सिंह राठौर का तुहाडे पेश कीता गुरजंत सिंह शामदास भट्टीवाल कलां करनैल सिंह खानपुर फकीरां भवानीगढ़ के नजदीक है जिहो जिहा किते प्रोग्राम होवे सेवा का मौका देना गलतियां अनेक होणगियां सो इस करके माफी मंगदे आ कोई गलत शब्द वरत्या गया होवे अपने बच्चे जान के प्रेमी जान के मित्र प्यारे जान के माफ करना सानू देनी माफी आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की